स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सक्सेसिव डिफरेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंसेस में हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड nth differential coefficient of ax plus b upon cx plus d। देखिए इसका सॉल्यूशन। Let y is equal to ax plus b upon cx plus d। nth डिफरेंशियल करने के लिए हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है और जो प्रॉपर फॉर्म होती है वो क्या होती है कि डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होनी चाहिए इससे न्यूमरेटर से। तो प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा किससे, यहां करते हैं सी एक्स प्लस डी से डिवाइड करें हम ax प्लस b के लिए। ठीक है, क्वोशेंट में आएगा क्या c अपॉन a, c अपॉन a अपॉन c, क्योंकि ऐसी टर्म आनी चाहिए कि a अपॉन c की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये x आएगा। आप देख सकते हैं a अपॉन सी का मल्टीप्लाई किया तो सी से सी कैंसिल ए एक्स, और a अपॉन सी का मल्टीप्लाई होगा डी से जो कि होगा ए डी अपॉन सी। सब्ट्रैक्ट करें ये कैंसिल v माइनस ए डी अपॉन सी। देखिए रिमाइंडर क्या है, इसमें x नहीं है तो यही तक डिवाइड हो गया। देखो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस quotient plus remainder initiative upon denominator। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे हम एक मसा राफ में जैसे 13y4, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर लेस है ग्रेटर होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं 4 से हम डिवाइड करें 3 प्लस रिमाइंडर है 3 प्लस 1/4। कैसे किया 13 के लिए 4 से डिवाइड किया और 12 रिमाइंडर आया 1। तो जो क्वेश्चन होता है वो अलग प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ भी हमने अप्लाई किया है कि सी एक्स प्लस बी से डिवाइड किया ए एक्स प्लस बी के लिए वो ही डिवाइड ये हो रहा है रिमाइंडर ये है। क्वोशेंट जो भी आया वो ये प्लस रिमाइंडर ये। अब वाई इक्वल ए अपॉन सी, इसको हम एलसीएम ले लें हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, डिनोमिनेटर में जो है उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर माइनस वन। देखिए अब हम इसका क्या करेंगे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 10 टाइम्स डिफरेंशियल या लिखे डिफरेंशिएटिंग क्या है डी की पावर है 1। एन टाइम डिफरेंशियल का जो सिंबल है या एन एथ डिफरेंस
सिंबल क्या होता है, डी की पावर एन, और वी सी माइनस ए टी अपॉन सी ए कॉन्स्टेंट टर्म है, और क्या आएगा डी की पावर एन सी एक्स प्लस डी माइनस वन। देखिए अब हमें डिफरेंस ऑफ किन किन के कर रहे हैं, यहाँ पर दो टर्म है, ए अपॉन सी ए कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंस ऑफ जीरो होता है, चाहे वो एन एक्स डिफरेंशियल हो या वन टाइप डिफरेंस हो Vc माइनस ad अपॉन c। आप देख सकते हैं कि d की पावर है cx प्लस b की पावर माइनस है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपका राम है बिल्कुल। हमने जो फॉर्मूला आपको बताया है d की पावर है kx प्लस b की पावर माइनस वन का क्या होता है, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन ए की पावर एन और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन माइनस एन, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्या है माइनस वन की पावर है फैक्टोरियल ए, ए की पावर है ए, यहाँ पर है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है सी, तो आएगा सी की पावर है, ठीक है ना, और सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी की पावर माइनस वन माइनस एन, बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या देखिए वी सी माइनस ए डी और सी की पावर एन है और ये ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा सी की पावर ए माइनस वन, सी की पावर एन माइनस वन और क्या रहेगा माइनस वन की पावर है फैक्टोरियल है सी एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन माइनस एन, ठीक है आप नोट कर सकते हैं और आपको समझ आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे एग्जाम के लिए। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन, फाइंड एन एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ये है इफ, ठीक है क्वेश्चन इफ वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स prove that yn a की पावर है अंडर रूट वन प्लस माइनस वन की पावर है साइन ए एक्स। y n means उन्होंने आपको बताया nth differential coefficient of y, y का nth differential coefficient निकालना है, तो y हमारे पास ये है, हम लिखेंगे nth differential coefficient of y is, y का nth differential coefficient होगा y की power है और d की पावर है साइन ए एक्स प्लस d की पावर है कॉस ए एक्स। देखिए यहां हमने वाई एन लिखा है, इसको d की पावर एन वाई वी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंबल है, सिंबल जगह जगह क्वेश्चन में चेंज होते रहते हैं, जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा हम लिखते हैं। तो हमें y दिया है, y n फाइंड करना है, इट मींस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
डिफरेंशियल लिखना है और इसका हमारे पास फार्मूला होता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का साइन के लिए क्या होता है a की पावर n साइन ax प्लस n पाई बाय 2 ठीक है ऐसे इसके लिए भी होता है a की पावर n cos ax प्लस n पाई बाय 2 क्या फॉर्मूला होता है x के कोफिशिएंट में जो भी टर्म होती है वो a की a उसकी पावर है साइन जो एंगल होता है जैसे यहाँ भी है इसे ax में प्लस करेंगे n पाई बाय 2 जितनी टाइम डिफरेंस करना होता है उतने पाई बाय 2 प्लस करते हैं यही मेथड इसमें अप्लाई करते हैं ठीक है क्या a की पावर है मींस x का कोफिशिएंट की पावर है और साइन का साइन ax का ax प्लस डिफरेंशियल तो क्या किया हमने n टाइम किया तो n पाई बाय 2 आएगा अगर हम 4 टाइम करते तो 4 पाई बाय 2 आएगा जितनी टाइम जितनी बार डिफरेंशियल किया जाता है उतने के एरर ठीक है ना a की पावर n पावर साइन ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस cos ax प्लस एम पाई बाई देखिए आंसर वैसे तो आंसर यही होंगे लेकिन हमसे इस फॉर्म में पूछा गया है कि अंडर रूट की फॉर्म में हम आंसर देंगे ठीक है तो क्या करेंगे इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है वो बताते हैं हम इसको अंडर रूट फॉर्म में बदलेंगे अंडर रूट हमने अप्लाई कर दिया और हम जानते हैं कि जब अंडर रूट इस पर हमने क्या किया है अप्लाई किया है तो हम स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस एम पाई बाई टू का स्क्वायर जैसे कहीं पर x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर ठीक है वही किया है कि x मीन्स ये पूरा टर्म लिखा हुआ है तो हमें कहते हैं अंडर रूट फिर इसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर वही रह जाएगा जो टर्म थी केवल फॉर्म चेंज की है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई अब आप जानते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन ए प्लस की कॉमन इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए देखिए इसको सिंपलीफाई करें ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ये तो वन हो गया और टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है मीन्स साइन टू ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू टू की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा ए की पावर है वन प्लस साइन टू ए एक्स प्लस एन पाई टू से टू कैंसिल हो गया अब इसको हम और थोड़ा सा चेंज कर दें ए की पावर है अंडर रूट वन प्लस देखिए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है प्लस का साइन थीटा तो इस तरह से एक प्लस आएगा एक माइनस उसके लिए हम लिखते हैं माइनस वन की पावर है और साइन टू ए एक्स हमने वो फॉर्मूला लगाया है साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस वन की पावर है साइन थीटा थीटा ही है और यही हमें प्रूव करना है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप नोट